सत्नाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंगुर प्रसाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी अंशप्रीत सिंह आ गए जी। हम अंशप्रीत सिंह जी अपने नाल स्थान पाउणगे जी। आओ शब्द नाल जुड़िए जी सारे। वाहेगुरु वाहेगुरु। हाँ जी बीजी ठीक है जी आवाज। वाहेगुरु हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तुम दाता हम मूर्ख तुम चतुर सयाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तुम ऐसा माधो हम ऐसे तुम ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन हम पापी तुम पाप खंडन मी को ठाकुर देसा माधो 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 हम हम ऐसे तुम ऐसा तुम सब साजे साज निवाजे तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण आरे गुण नहीं कोई निर्गुण आरे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मैं हरवाना माधो माधो हम ऐसे तुम ऐसा हम ऐसे तुम ऐसा माधो तुम करो पला हम पलो ना जाने तुम करो पला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख बिदाते तुम सुखदाई पुरख बिदाते तुम राख
रखो अपने माला, तुम रखो अपने माला, मातो मातो हम ऐसे हम ऐसे तुमने दान अटल सुल्तान, तुमने दान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, जी जंत कहो नानक हम ए है हवाला, कहो नानक हम ए है हवाला, राख संतन के पाछे, राख संतन के पाछे, माधो बेटी हरसिमरत कौर कोटपुरे तो बेटी अपना विचार साडे नाल सांझा करनगे जी। हरसिमरत कौर वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज तो मेरा थॉट ऑफ डे है यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। इसका मतलब है असी आपका भविख नहीं बदल सकते, असी आपका भविख नहीं बदल सकते, पर भविख नू चेंज लई असी आप दी आदतां हैबिट्स या कर्मां नू बदल सकते हाँ। चंगे कर्म नाल ही साडा भविख चंगा होवेगा। जिहड़ी तुहाडी हैबिट्स है ते आदतां ने ओह पक्का तुहाडे फ्यूचर नू बदल देंगे। इस करके सानू हमेशा चंगीआं आदतां नू अपनाउणा चाहीदा है। जिवें कि मैं तुहानू एक छोटी जिही एग्जाम्पल दिंदी हां, जदों भी असीं रूम विच या किते भी कल्ले बैठे हुंदे हां असीं उस वेले महसूस करिए कि उदों असीं कहड़े कर्म कर रहे हां, ते उस समय जिहड़े असीं कर्म कर रहे होंगे ओह साडा फ्यूचर है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत धन्नवाद बेटा हरसिमरत कौर, बड़ा ही सुंदर विचार उन्होंने साडे नाल सांझा कीता कि अपनियां आदतां नूं जे असीं चंगा कर लवांगे तां साडा भविख अपने आप चंगा बन जाएगा। भविख की चिंता ना करिए, बस की करिए जी आप अपन आदतों चंगा करने वाले पास सोचा करिए, तो जो साम चंगे हो जाएंगे तो साविख अपने आप चंगा बन जाएगा। तो साढ़े हाजिर ने जी अज वीर चमकौर सिंह जी, वह अज अपने परज फ्रॉम गुरबाणी के राही गुरबाणी के पंक्ति साझी करे तो गुरबाणी का सुनेहा साढ़े तक पहुँचाएंगे जी। वीर चमकौर सिंह जी हाँ जी, विद्यार्थियों समूह कैंपर जो काफी दिनों तो इस कैंप का हिस्सा बने हुए हो, तो जिमें कि रोज़ की तरह ही एक गुरबाणी की तुक जो परल फ्रॉम द गुरबाणी इस विषय तहत एक आप गुरबाणी तुक साझी करते हैं। तो अज की जी गुरबाणी की तुक है उस पर थोड़ी जी चर्चा लेके आप सामने पेश हैं। गुरबाणी की लाइन है 520 अंग ते जिन्हां दा संतड़िया दुरमत वंजा है मित्र असाड़े सही। स्क्रीन पर देख रहे हो बेटा, यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੇ ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੁਰਮਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਅਕਲ ਸਮਝ, ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਦੁਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਰ ਮਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮਤ। ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ, ਵੰਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੇ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾੜੀ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਆਰ ਅਵਰ ਟਰੂ ਫਰੈਂਡਸ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਸਹੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਵਰਜਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟਰੂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੋਬ ਜਾਂਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਜਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਸਾਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੁੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੁਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪਾਉਣ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀਰ ਬਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਵੀਰ ਬਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਨਊ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਥੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਵੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਲਏ ਸਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਬੱਬੂਏ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੱਬੂਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ
आम बाजार भी तुसी देखा होगा ये हिट भी मिलते ने। मैं ये बारे दसना हुंदा भी अपनी गल नूं कहण वास्ते मैंने कहानी का रूप दिता वे कि अज तो कुछ साल पहले मेरे बच्चे छोटे सन तो मैं बाजार विच गया, बाजारों आ रहा सी बाहर टूर ते गया ते मेरा भी मन लगा, मन किया मैं बच्चियां वास्ते कोई लै जावां ते मैं दुकानदार नूं पुछिया भी ये हिट भी किन्ने दा, तुसीं देखिया हवा नाल ही हिलदा पिया। मैं क्या भी हिट भी किन्ने दा, वह कहिंदा जी ये 50 रुपए दा। मैं क्या बहुत वधिया लाल वाला दे दे, एको साइज दे गए सन, थोड़ा जिहा गड़बड़ हो गया इस करके मैं उहदा छोटा। मैं क्या लाल वाला दे दे, वो कहिंदा जी लाल वाला 500 रुपए दा। मैं बड़ा हैरान हो गया भी ये 50 रुपए दा 500 रुपए दा। अगो कहिंदा जी हरा वाला ना पुछिया जे। मैं क्या क्यों, कहिंदा ये 5000 रुपए दा। मैं बड़ा हैरान हो गया, तुसीं भी मेरी गल सुन के हैरान हो रहे हो गए ये 50 रुपए दा, ये 500 रुपए दा, ये 5000 रुपए दा। मैं क्या भी कोई गल समझाएगा, कहिंदा आओ दस दिया इनू, कहिंदा भी तुसीं मुक्का मारो, ये तुसीं देखो भी उदा ही हवा विच भी हिलदा पिया, इनू मुक्का मारोगे तो हिलदा ही जाएगा, जोर दी मारोगे तो इन्हें हिल ही जाना, हिल ही जाना, डिग भी पवे भावे कोई, इनू मारोगे थोड़ा बहुत हिलेगा फिर अपनी जगह पर आ जाएगा, इनू मारोगे पिछे जाएगा तो अगे आ जाएगा। तो मैनू बंदा कहिंदा है, कहिंदा भाई साहब जी कीमत समझ गए हो। मैं क्या भी आज समझ पे आ गई है। कहिंदा दुनिया विच 60% लोग इस तरह के हैगे ने जिहड़े हर वेले रोंदे रहिंदे ने, मर गए मर गए मर गए भाई साहब मर गए, बस बीमारियां नहीं सानू छड्ड दियां, घर की दिक्कतां ने, बस जो लगता है भी जो प्रॉब्लम आती रब साडे वास्ते ही भेज दिंदा है, बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ने। यह 60% दुनिया च लोग ने जिहड़े मर गए रोंदे रहिंदे। इस कैटेगरी के बंदे आए ने जिहड़े 30% ने, जिहड़े कोई प्रॉब्लम आवे उन्होंने दो चार दिन लगते हैं सैट होने में, कोई बंदा उन्होंने समझावे, कोई प्यारा गुरु प्यारा मिल गया उन्होंने थोड़ा जिहा परोसिया, कोई गल नहीं जां थोड़ा ट्रीटमेंट लिया ठीक हो गए नॉर्मल हो गए। इस कैटेगरी के 10% व्यक्ति ने कोई प्रॉब्लम आवे और छांड देंदे ने, कोई गल आवे वह कहता जा यार ठीक हो जाएगा, जे चंगे दिन नहीं रहे तो माड़े भी नहीं रहेंगे, वो हर वेले चढ़दी कला च रहिंदे ने। वह इस गल नूं मंनदे ने भी कोई प्रॉब्लम आई है तो वह कहिंदे ने भी ये भी दात तेरी दात आ। जो उस कैटेगरी के बंदे वो जो होंगे ने, जो श्री अकाल तख्त साहब सरकार ने ढाया जो दोबारा बन गया, एक स्पोक्समैन मैगजीन आती होंगी सी, मैं शेयर मैं याद सी पर मैं कहूँ तुम्हें याद करा दिया, उस किताब के उपर शेयर लिखा हुआ आया कि जाके कह दो तूफानों से फिर बना लिया है आशिया हमने अपना, असी आशिया बना लिया तूफान की हिम्मत है तो आ जाए फिर। इस कैटेगरी के वह व्यक्ति होंगे ने। हम समझ आ गई होगी टॉयज की कीमत, कहता है भी खड़ौन की खड़ौन की टीम कीमत। यह गल सू समझण की लड़ है। इस लड़ी च एक दूजी चीज मैं तुम्हें दसना चाहवागा। एक मेले में ना एक बैलून वेच रहा सी, गैस के गुब्बारे वेच रहा सी। एक छोटा जहा बच्चा वो जाके कहता कुर्ता पकड़ के हिला के कहता, कहता अंकल जी काला गुब्बारा भी उड़ता है। अगो बंदा कहता है बेटा गुब्बारे के रंग का कुछ नहीं होता, गुब्बारे के अंदर जो है ना वो करके गुब्बारा उड़ता। मैं एक और चीज बनाना होना इसलिए नहीं बना सकता भी जिदा मान लो चार बैलून तुसी लाओ, एक विच मिट्टी भर दियो, एक विच पानी भर दियो, एक विच हवा भर दियो, एक विच गैस भर दियो। हुण मिट्टी वाला थोबड़ का थोबड़ जिथे पिया उत्थे पिया, जे तुसी पैर नाल या हथ नाल ठुड्डा भी मारोगे तो जरा जिहा हिलेगा, बाकी पाट भी सकता है ते तुहानू भी चोट पहुंचा सकता है। पानी वाला थोड़ा जिहा लुढ़क जाएगा या फट जाएगा। हवा वाला तुसी मारोगे उधर चला जाएगा, उधर ला वीर मारेगा तुहाडे वाल आ जाएगा, उहदा अपना कोई वजूद नहीं, जिधर कोई मारेगा उधर तुर पेगा। गैस वाले का की है, गैस वाले नूं छड्डोगे उपर जाएगा, थोड़ा जिहा मारोगे हल्का जिहा टर्न होएगा फिर उपर जाएगा, तुसी फिर हाथ मार दोगे थोड़ा जिहा इधर आएगा फिर उपर जाएगा। थोड़ा जिहा तुहाडी ताकत तुहाडे हाथ लाण नाल थोड़ा जिहा सज्जे खब्बे होवेगा, पर उहने जाना अपनी मंजिल वाल है क्योंकि उहदे अंदर जो चीज है गल उहदी है।
यही गल सानू समझण दी लोड़ है, असीं जाणदे ते हाँ, पर अंदर दी जिहड़ी उस पावर दी गल है। हुण छोटी जी गल एक पुछा, सारे जणे बैठे हो, तुहाडा जवाब ते मेरे तक नहीं आ पाएगा, पर मेरे ख्याल नाल अपने आप विच मन विच पुछना, अपना फ्रेंड या अपना लाइफ पार्टनर चुनन वेले केड़ी गल नूं पहल दोगे, नेचर नूं या ब्यूटी नूं? ब्यूटी सड़क ते तुरदिया ते ठीक है भी लोकी तारीफ करनगे भी क्या जोड़ा वधिया जा रहा है, या क्या वधिया सोहणे स्मार्ट दोस्त ने, पर जे नेचर नहीं मिली, वो कोऑपरेटिव नहीं है, वो एडजस्टेबल नहीं है, वो सहयोगी नहीं है, वो दिल विच उहदे प्यार नहीं है, सांझ नहीं है, ते घर विच ते रोज लड़ाई झगड़ा होएगा। जे दोस्त विच नेचर वधिया नहीं है ते रोज ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होएगी। ते तुसीं देखो भी फ्रेंड या लाइफ पार्टनर चुनण वेले तुसीं पहल देंदे हो नेचर नूं। ते मेरा दूजा सवाल है कि जदों तुहानूं कोई दोस्त बनाएगा या तुहानूं कोई लाइफ पार्टनर वास्ते चुनना चाहेगा, फिर तुहाडी भी ते नेचर वेखेगा ना। असीं सारा जोर अपनी ब्यूटी ते लाया होया, बाहरली दिख नूं वधिया करन वास्ते, बाहरों स्मार्ट बनन वास्ते, लोकी मैनूं स्मार्ट कहण, मैचिंग पाईए, स्मार्ट बनीए, असीं सोचिए भी नेचर नूं असीं डिवेलप करन वास्ते, असीं अपने सुभाव नूं अच्छा करन वास्ते की कर रहे हैं। दूसरी चीज पावर, मेरे नौजवान वीर जिहड़े बैठे होवोगे, बाइक खरीदण वेले या कार खरीदण वेले उहदी बॉडी नूं देखदे हो मोटरसाइकिल दी या उहदी इंजन दी पावर नूं? ठीक है उहदी बॉडी स्टाइलिश होनी चाहीदी है, पर मेन मसला तो उहदी पावर दा। यही गल पहली गल वांगू फिर मैं कह रहा कि जे खूबसूरती अंदर दी असी बाहर सवार लगे हैं, ते ताकत भी अंदर दी, वो फुलवी बॉडी या बॉडी की करेगी जे अंदर जज्बा नहीं है, अंदर स्पिरिट नहीं है। असी अपने इतिहास च पढ़िया होया है, मुगलां ने की कीता, एक हाथी नूं शराब पिला के किले का दरवाजा तोड़न वास्ते लियाए मस्त हाथी नूं, ते गुरु साहब नूं पता लगा भी वह हाथी लियाए ने जी, तो गुरु साहब कोल भी बैठा सी दुनी चंद, बड़ा तगड़ी सेहत सी, बड़वा फुलवा शरीर, लंबा उच्चा कद, ते गुरु साहब ने हस के उह जी कहता कोई गल नहीं, साढ़े कोल भी हाथी हैगा, यह लड़ेगा। फिर की होया तुहानूं सब नूं पता, वह राती भज गया, उहनूं ऐसा डर लगा कि वह किले दीवार टप के ते भज्जा, थले डिग्गा, लत्त भी टुट गई, ते घर जांदे सप्प भी लड़ गया ते मर गया। ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं जदों सवेरे दस्या गया भी साडा हाथी ते भज गया, ते कोल बचित्र सिंह जी बैठे सन, 5 फिट दी हाइट, मतलब बिल्कुल शॉर्ट हाइट, ते गुरु साहब ने बिधी चंद वाल इशारा करके कहा भी कोई गल, बचित्र सिंह वाल, कोई गल नहीं साडा बचित्र सिंह लड़ेगा, क्यों बई? ते बचित्र सिंह ने हाथ जोड़ के कहा भी गुरु जी तुहाडी असीस अगर सिर ते है लड़ जावांगे। क्या कमाल दा लड़िया हाथी नाल बचित्र सिंह, भाव गल अंदर दे पावर दी। हुण असीं इह सोचिए भी कमाल दी गल है, इहदा साडे बहुत असर पैंदा मन ते, असीं आम तौर ते गल्लां इहो जी करने आ, पर इहनूं डिवेलप करन वास्ते कोई नहीं। कदी बंदा कहिंदा ना बाजार चलीए, कह दिंदे मन नहीं हैगा, अज इह बना लईए खाण नूं, कहिंदे नहीं खाण नूं अज इह नहीं मन कर रहा, अज कोई इदां दा चटपटा खाण नूं मन कर रहा। किसे मित्र नाल कहिंदे ने यार उहदे नाल मन नहीं मनदा जाण नूं, गल सारी अंदर दी है, उहदे अकॉर्डिंगली करने आ, जो चंगा लगता है जो पसंद होंदा उहनूं करने आ। पर मेरा सारा विशा वे भी अंदर दी दुनिया, सारी अंदर दी दुनिया इंपोर्टेंस उहदी है, और बाहर दी दुनिया सारी दिखावे दी। गुरु पातशाह जी ने भी यही गल सारी कीती, अंतर गुरु आराधना, वह गुरु पातशाह जी कह रहे ने अंतरगत तीर्थ मल नाओ, गुरु साहब कह रहे ने खोज दिन हर रोज, अपने आप नूं रोज एनालाइज कर, अपने आप नूं रोज वॉच, अपने आप नूं रोज देख। हुण मसला गल सिर्फ यही करनी है, असीं आम तौर देखिए भी किसी ने सानूं अगर तफा मारिया होवे, धक्का दिता होवे ना, वह बर्दाश्त हो जाता है, पर किसी ने कोई दिल दुखावी गल की होवे, धोखा दिता होवे, अपशब्द कहे होण, सौख्या नहीं भुलदी, वह याद रह जाती है। इत्थे भी देखो
सट भी जड़ी है अंदर दी तड़पांदी है, बाहर दी सट तो ठीक भी हो जाएगी, अंदर दी सट याद रहती है, जदों माफिया भी मंग लवे तां भी याद रहिंदा भी इहने मेरे नाल इदां गलत कीता सी, मतलब खेड सारी अंदर दी। हुण गल इह वेख कि गुरु प्यारिओ जिहड़ी उह गल कह रहे सी भी गुणां दा वधाईए, क्योंकि गुरु पातशाह जी ने बड़ी स्पष्ट जी गल कहती है, मनुखो जी मनुखी जीवन मिलिया भई प्राप्त मानुख दे हरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया, भी किन्ने साल पता नहीं केड़े केड़े जूना च भटकदा रहा मैं, भी यही तेरी बरिया वे। तो उहदे च गुरु पातशाह ने भी साफ जी गल कहती भी जिन्नी भगती मर्जी करिए सेवा करने आ बाणी पढ़ते हैं भी विण गुण कीते भगत ना होए, जे गुरु वाले पासे लग के सेवा वाले पासे लग के तुहाडे अंदर मनुखी गुण डेवलप नहीं हो रहे तो फिर भगती भी नहीं हो पानी। जे तुहाडे अंदर गुणा का विकास नहीं होया, जे काम क्रोध लोभ मोह कंट्रोल है पंजों चीजा ते काबू नहीं होया, जे सहन शक्ति नहीं वधी, किसी के बोल कबोल सहारन की तुहाडे शक्ति नहीं वधी, किसी प्रति आपा वारन की गल, किसी की सेवा करन की गल, किसी की वेख के अणडिट करन की गल जिहड़ी बाणी च कही है गुरबाणी च कही है अरदास च कहने आ, जे साडे च गुण नहीं वधे ते गुरु प्यारे हो कोई फायदा नहीं। जिहड़ी बाणी च गल कहिंदे ना सांझ करीजिए गुणा केरी, आओ गल करिए भी थोड़ा जिहा इस वल ध्यान देइए भी अंदर की ताकत किवें वधेगी और अंदर की खूबसूरती किवें वधेगी, उह संबंध है सुभा नाल, उह संबंध है चढ़दी कला नाल। यह ठीक है कि शरीर भी समर्थ होना चाहिए, उसके योग सानू दो तीन चीजा की लोड़ है भी असं अपनी डिसिपलिन खुराक खाइए, जीवन वास्ते खाइए, खाण वास्ते ना जीविए। ये वास्ते मैं एक एग्जाम्पल देना होना जरूर छोटा जिहा तुहानू गल करके ते फिर दूजे पासे जावांगे, भी जिहड़ी शरीर की समर्था वाली ताकत है वह तो साडे विच होवे, वह तां ही होवेगी जे साडा जीवन डिसिपलिन होवेगा, खुराक शुद्ध ते खुराक चंगी होगी। पर उस दे नाल नाल एक चीज बहुत जरूरी है, तुसीं आम तौर ते वेख्या होगा कि तुहाडे मुहल्ले चो कोई बच्चा होस्टल में चला जाए, तुहाडे मुहल्ले या शहर में कोई बंदा फौज च भर्ती हो जाए, या होर छड्डो तुहाडे घर का कोई नौकर या ड्राइवर या कोई बंदा जेल च भर्ती हो जाए, जेल हो जाए छे महीने बाद जदों वापस आंदा है ना उहदी सेहत बनी होंदी है, कारण की है कभी सोचा कि जेल विच या फौज विच या होस्टल की रोटी सोहनी मिलती है, घर नूं सोहनी मिलती, सोहनी नहीं मिलती, उत्थे इक्को गल है सेहत ठीक होने का स्वस्थ होने का एक्टिव होने का फिट होने का इक्को राज है कि उत्थे डिसिपलिन है, साढ़े बारह घंटी बजेगी साढ़े बारह रोटी, रात अठ बजे घंटी बजेगी अठ बजे रोटी, साढ़े घर की हाल है कभी दो बजे कभी तीन बजे कभी ग्यारह बजे भुख लग गई, कोई रूटीन नहीं कोई फिक्स गैप नहीं, यही पोजिशन उत्थे देखो रोज एक फ्रूट मिलेगा, भावें केला ही मिले भावें मौसमी अमरूद मिले भावें तरबूज का एक पीस मिले भावें खरबूजे का पीस मिले, पर रोज एक फ्रूट मिलेगा। साढ़े घर की है कभी कभी पापा जी याद आ गया चार पांच फ्रूट टोकरियां भर गई घर ही फ्रिज भर गया, सेब तो घट के असं किसी फ्रूट को समझते ही कोई नहीं भी सेब तो घट कोई खाना ही नहीं, फ्रिज भर गया दो चार दिन बाद खत्म हो गया, ध्यान नहीं किसी ने, जब याद आएगा तो फ्रूट आएगा, नेम नहीं है रूटीन नहीं है, और जब तक किसी भी चीज रूटीन नहीं होगा फिक्स नेम नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट नहीं होगी, ता ही साड़ी सेहत नहीं है, ता ही साड़े पंजाबी और खास तौर पर सिखा दे बॉडी जी डी शेप हुई हुई है, और सेम पोजिशन साड़ी अध्यात्म के खेत्र की है। हम जो कैंप लग गया सवेर शाम की क्लासेस घंटे दो घंटे असं नितनेम भी कर लें सब कुछ कर रहे हैं, कोई महापुरुष आ गए कोई समागम हो गया कैंप हो गया नितनेम भी हो गया शाम का सोधर भी हो गया सोयला भी हो गया, और सच्ची अपने आप तो पूछ के वेखो कई बार होंगे भी दिन में कई बार किश्तों में नितनेम भी पूरा नहीं होंगे, पाठ भी कर रहे हो ना जपजी साहब कई बार वापस आने कई बार अगे जाने कई बार वापस आने, क्यों? क्योंकि नेम नहीं है रूटीन नहीं है, जे उहदे विच वी रूटीन होवेगा ते साडी जिहड़ी चढ़दी कला अध्यात्म दा लैवल है ना उह वी साडा चढ़दी कला विच होवेगा ते वधेगा। इक ते खाणा
खान पीन का सिस्टम भी वह भावें शरीर की भुख की गल हो भावें आत्मक भुख की गल हो एक रूटीन बनाओ रूटीन होना चाहिए साडा और साफ सुथरा भोजन छकना ये जो फास्ट फूड वगैरह ने मैदे को पचाने वास्ते शरीर को तीन गुणा मेहनत करनी पैंदी कभी कदाई टेस्ट वजो शौक वजो खा लिया अदरवाइज सादा भोजन खाओ स्वस्थ रहो शरीर का ध्यान रखो अपने आप नू जानो अपने आप नू प्यार करो अपने आप का ध्यान रखो अपने आप का मैं कह दूजे का सत्कार तो करना अपने आप से कहते ना किसी ने कहा भी नो योर सैल्फ लव योर सैल्फ केयर योर सैल्फ रिस्पैक्ट योर सैल्फ भी तुसी भी रब की बनाई हुई कुदरत की बनाई हुई एक नायाब चीज हो तुहानू भी किसी मकसद वास्ते इस दुनिया में भेजे है अपने आप नाल प्यार करो तुसी भी इत्थे कुछ करके जाना सो आओ थोड़े जे मैं कुछ पॉइंट्स लिखे ने भी अंदर की खूबसूरती नू वधाउण वास्ते बाणी च पंक्ति है ना भी सांझ करीजे गुणा के हर व्यक्ति विच कोई ना कोई गुण होएगा यह वक्री गल है भी कोई माड़ा बंदा भी गुण एक होगा अवगुण बहुत होणगे कोई बहुत चंगा व्यक्ति है भी गुण बहुते होणगे पर उहदे विच भी अवगुण कोई ना कोई होएगा क्योंकि मनुख है ते मैं ते उहदा एक एग्जाम्पल छोटा जिहा देना भी तुसी फुल्लां दा गुलदस्ता बना रहे हो उहदे च बेस्ट फुल चुण के लगांदे हो बाग विच ते कंडियां वाले भी पेड़ ने कदी कंडे लगाए ने तुसी अपने गुलदस्ते विच कदी कंडे लाए ने नहीं लाए ना जिहड़ा फुल मुरझा गया होवे उहनूं कदी लाया नहीं लाया ना ते जे गुणां दा गुलदस्ता अपने अंदर बनाउणा वे ते सानूं भी लोड़ है भी जिस व्यक्ति विच जो चंगी चीज मिले पर साडा पता नहीं अजकल सुभाव हो गया भी सानूं चंगी चीज घट दिसदी है माड़ी दिसदी है असीं कहिंदे उहदे नेड़े ना जाओ तो बंदा माड़ा हर व्यक्ति विच कोई ना कोई चंगा गुण है पर यह साडे विच होना चाहिए भी यह ना उहदे नेड़े जाके असीं उहदे अवगुणां नूं अपना लईए उहदे वहाव विच तुर जाइए जे बंदा सानू अपने आप नू सियाने होने की लोड़ है भी हर व्यक्ति को जड़े किसे को दुश्मन को भी चंगी चीज कोई मिल जाए उनू लईए बाणी पढ़न दा ते भी जड़ी बाणी विच गल्लां पढ़दे आ ना भी सांझ करीजे गुणा कैरी भी गुणा की सांझ करिए उहदे कोलो लई जाओ कि जड़ा व्यक्ति मिले उहदे कोलो गुण लई जाओ उहदी चंगी गल्लां नू अपनाई जाओ ते तुसी गुणा दे सागर हो जाओगे गुणा दे समुंदर हो जाओगे शख्सियत तुहाडी संवरेगी तुसी बहुत गुण भरपूर हो जाओगे पहले आओ हुण क्योंकि मनुख मनुखी जीवन मिले है सब तो पहले तो यह भी कोई टीचा मिथो भी मैं जीवन में कुछ करना है अपने लिए करना है समाज लिए करना है एक टारगेट बनाओ भी मैं इस अवस्था से पुजना है तो मैं कुछ बनना है अपना भी सवार सका लोगों का भी सवार सका दूसरी चीज अंदर की ताकत अंदर की खूबसूरती ते अंदर की ताकत नूं वधाउण वास्ते साडे कोल बहुत कमाल दीआं दो चीज़ां ने एक गुरबाणी इन्नी ताकत गुरबाणी विच कदी इमेजिन करिए चरखड़ी ते चढ़े बंदे दीआं देग विच उबल रहे ने जपजी साहिब दा पाठ हो रहा है सिर ते आरा चल रहा है इमेजिन करो जपजी साहिब दा पाठ हो रहा है और जलाद कंब गया जिन्हों जलाद किया जाता है आम तौर पर मनिया जाता है भी जलाद जो वैशी है उन्हें तरस की कोई गल नहीं होंगी पर जो भाई मनी सिंह जी की बंद बंद कट्टन वास्ते आया है वह गुट तो कट्टन लगा है तो भाई मनी सिंह जी उन्होंने रोक के कहते हैं भी गल सुन मैं तो हुक्म मन के आ गया वा बंद बंद कट्टन वास्ते पहले इतों कट फिर इतों कट फिर इतों कट कहते जलाद कंब गया यह अंदर बाणी की ताकत सी चढ़ती कला की प्रतीक जी गल बड़े सहज वाह गुरु साहब कहते सन गुरु से भरोसा सब तो वड्डी गल भी जो गुरु हुक्म कर रहे हैं जे मैं काम गुरु ने कहा जे काबुल तो घोड़े लैके आए ने संगत रस्ते चो मुगल हुकूमत ने घोड़े छीन लाए तो उन्हें गुरु साहब आके हाथ जोड़े भी गुरु साहब जी घोड़े लियांदे सी रस्ते चो सूबेदार ने छीन लेने गुरु साहब ने कहा कमाल की गल अगों की कहते भी तुम घोड़े लियाए से मेरे को पुज गए बाकी बिधि चंद लिया आएगा क्यों बीती चंद जी कहते गुरु साहब ताड़ा हुक्म है लै जावे गुरु ते भरोसा गुरु रूप साडे कोल बाणी बाणी ते भरोसा जिस बाणी बारे कहे सतगुरु की बाणी सच सच कर जाणो गुरसिखो हर करता आप मूहों कढाए
इस नूं सच के जाणो ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਪਰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ जे इतिहास पढ़ रहे हो ना उस वक्त दो मिनटां वास्ते सोचो भी जे मैं साहिबजादियां दी जगह ते खड़ा हुंदा जे मैं साहिबजादियां दी जगह ते खड़ी हुंदी ते की करदी वो जिहड़ी मां भज्जी भज्जी आई सी कि मेरा बेटा सिख नहीं है इहनूं छड़ दित्ता जाए ते बच्चा कहिंदा है भी इह मेरी मां नहीं है मैं सिख हाँ मैनूं भी सिखां दे नाल शहीद करो इह पढ़न वेले असीं इह थोड़ा जिहा इमेजिन करिए भी जे इस जगह ते मैं हुंदी ते की करदी ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰੋ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀਨਾ ਨਾ ਚੀਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਕੀ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ अपने आप मंथन करिए एक मैं होर गल मेरे आती है मजे की गल है कमाल की गल है सानू सब नू पता है पर असीं इस ते गौर नहीं करते हर बंदे विच जो कमियां ने ठीक है सब विच कमियां ने मेरे भी है ने हर बंदे विच कमियां ने किसी च घट किसी च वध और मजे की चीज है भी तुहाडा मित्र तुहाडी मम्मी तुहाडा भरा तुहाडी भैन तुहाडी एक दो कमियां जानदा है पर तुहाडी सारी कमियां नहीं जानते अपनी सारी कमियां कौन जानता है गुड अपनी सारी कमियां केवल मैं जानता मैनू पता है मेरे च केड़ी केड़ी कमियां ने और एक होर गल दसा मजे की वो कमियां किवें दूर होनिया ने यह भी केवल मैनू ही पता है दूजे किसी नूं नहीं पता या गुरु नूं पता है रब नूं पता है या मैनूं पता है पर दूर करन दे साधन भी दो ही ने या मैं उद्यम करा गुरु की कृपा नाल या मैं अरदासा करा भी पातशाह मेरे च इस चीज तो मैनूं छुटकारा दवाओ एह अवगुण मेरे तो दूर हो जाए मेरी इस पासे ध्यान हट जाए जब सानूं पता है भी मेरी ये कमी है असीं कितना उद्यम कर रहे हैं उस कमी तो उभार अपने आप नूं उभारन वास्ते अपने आप नूं बाहर कढ़ने वास्ते या तो जड़ी कहना खालसा सो जो करे नित जंग अपने आप नाल जंग करन दी लोड़ है ये बाहरला जंग शस्त्रां दा जंग नहीं है ये जड़ा मन जीते जगजीत अपने आप नूं काबू करना अपने आप नूं संयम विच लियाना अपने आप नूं जितना ये सब तो वड्डी जड़ी गल कीती ना गुरु साहब ने ये गल है सो गुरु प्यारो अपने आप का मंथन करना अपनी कमियां नू जितना वध तो वध दूर करिए अपने कहिंदे ने बाणी च पंक्ति है ना अवगुण छाड़ गुणा को धावो अवगुण छड्डो ते गुण प्राप्त करन वास्ते भज पो धावो भजो जिस बंदे कोल जिहड़ी चंगी चीज मिलनी उहदे नेड़े जाओ जिहड़ी हुणे मेरे तो पहले भाई साहब जी गल कर रहे सन वी तुहाडे फ्रेंड्स किहड़े ने तुहाडा मित्र किहड़ा है इह देखण दी लोड़ है जे तुसी किसी व्यक्ति नूं गाल कढ़ी ना जिहड़ा दो कोल खड़ा ना बंदा कहिंदा बहुत वधिया एक होर मार इहनूं थप्पड़ उह समझो तुहाडा सब तो वड्डा दुश्मन है उह जिहड़ा बंदा तुहाडे मूंह ते तुहाडी गल कहिंदा ना कमी उह तुहाडा सब तो चंगा मित्र है जे दूजे नूं कहिंदा ते माड़ा है जे तुहानूं तुहाडी कमी कहिंदा ते सब तो वधिया मित्र है शेख साहब जी ने कमाल की गल कीती है कहिंदे जिहड़ा निंदक है ना जिहड़ा मैनूं कहिंदा मेरी कमी ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਧੋਤਾ ਸੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਂਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਂਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿੰਦਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ जे मैं अपने आप पक्का भी नहीं ये कमी मेरे विच नहीं है
फिर तो गल ही कोई नहीं, और जे है तो मैं अपने आप दूर करा, तो निंदक तो मैं अपने आप को एनालाइज करने वास्ते और अपने आप को डेवलप करने वास्ते मौके देता है, तो मैं दस रहा है ये कितनी वधिया गल है कि मेरिया कमियां दूर करने की सेवा किसी ने ली हुई है, तो मैं आइडेंटिफाई करके दस रहा है भी भरावा तेरे ये कमियां, तेरे ये कमी। सो तीसरी चीज भी लिटरेचर, प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों के जीवन पढ़ो जिन्होंने जिंदगी विच कुछ किया है, जिन्होंने जिंदगी विच कुछ कमाया है, यह जो व्यक्तियों की जिहड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी मैं तो तुहानू दसांगा जो गुरबाणी की गल कर रहा आर्ट ऑफ लिविंग वाला रवि शंकर उते कहंदा भी जिहड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी की जिहड़ी अगर मैं गल किधरों सीखी है तो गुरु तेग बहादुर जी की बाणी विचों सीखी है, जिहड़ा कहंदे ने भी जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी माने, सुख दुख दोनों सम कर जाने, हरक सोख ते रहने आरो ना मान अपमाना, हर दोनों सिचुएशन विच एक जिहा, ना खुशी विच बहुता छाला ते ना दुख विच बहुता रोना पिटना, एक बैलेंस पर्सनैलिटी की गल है। यह जी प्रेरणा स्रोत जिन्होंने यह जी, मैं एक एग्जाम्पल जरूर देना चाहवांगा, है तो थोड़ा सिख धर्म तो बाहर की गल पर वर्तमान समय की गल है, मैं तुम देना चाहवांगा भी इतिहास की गल आ गया, तुम शायद पता हो लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति एक गरीब परिवार तो सीगा, कारपोरेट की इलैक्शन लड़िया हार गया, दोबारा फिर इलैक्शन लड़िया हार गया, बाइक की दुकान उकान सी सब दुकान खत्म हो गई, फिर MLA की कहते इलैक्शन लड़ गया हार गया, बाइक की डैथ हो गई, MP की इलैक्शन लड़ गया हार गया, उपराष्ट्रपति की इलैक्शन लड़ गया हार गया, राष्ट्रपति की इलैक्शन लड़ गया जित गया, सारी जिंदगी हारदा रहा, राष्ट्रपति की इलैक्शन लड़िया जित गया, तो कहते जो फस्ट टाइम जॉइंट असैम्बली एड्रैस कर लगा सी लोगों को बर्दाश्त नहीं सीगा, मैं वो सिर्फ एक पक्ष की गल कर लगा, वो बैलेंस माइंड की गल कर लगा सर, कहने जो जॉइंट असैम्बली एड्रैस कर लगा तो अपोजिशन पार्टी के एक बंदे ने कहा कि लिंकन कुछ कहने से पहले ये मत भूल जाना कि तुम एक मोची की औलाद हो, हम राष्ट्रपति से भावे बंदे चुका के बहर भिजवा दिता, जो मर्जी करता सख्ती कर सकता से, पर पता उन्हें की जवाब दिता उस वे सख्ती करता तो शायद इतिहास होर हों, जो उन्हें रिएक्ट किया अज इतिहास दुनिया एग्जाम्पल दिंदी है, उन्होंने कहन लग पे कहता भी मेरे भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आज इस अच्छे मौके पे मेरे पिता की मुझको याद करा दी, जितना अच्छे मेरे पिता मोची थे शायद मैं उतना अच्छा राष्ट्रपति नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता ने किसी को नजायज काम नहीं किया, किसी से गलत पैसे नहीं लिए, तो वो मोची उस राष्ट्रपति से अच्छा है जो अपने ड्यूटीज को पूरा करता है, तो तुम्हारा एक बार फिर धन्यवाद, बैठ जाओ। ए देखो चपेड़ सी, ए बैलेंस पर्सनैलिटी की गल है, वही है ना भी अब साड़ी की हाल है, बंदे ने बाहर गुस्सा किया असी जरा जी उन्हें गाल कटी असी गुस्से हो गए, उन्हें तारीफ करती असी खुश हो गए, यह मतलब साड़ी खुशी और साड़े गुस्से का रिमोट कंट्रोल जड़ा वे वह दूजे बंदे को, असी उहदे कहण ते खुश होवांगे उहदे कहण ते हसांगे, साड़ी अंदर की खुशी साडा अंदर का जरा हासा वे वो जे भगतां की गल करते ना भी रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, वह अपनी मस्ती विच मुस्कुरा रहा है कुदरत दे नजारे देख देख के हस रहा है, गुरु नाल गल्लां कर रहा है बेनती कर रहा है, उहदे नजारे ही होर ने, वो साडा बाहर की दुनिया नाल सारा संपर्क है, वो गुस्से होवेगा असी गुस्से हो जावांगे, वो थोड़ी मक्खन लगा देगा असी चौड़े हो जावांगे, सो अपने अंदर नूं जाणीए, जिहड़ा पातशाह कहिंदे ने अंतरगत तीरथ मल नाओ, अंदर दे तीरथ दा इशनान करो। फिर जिहड़ी अरदास, अरदास साडे कोल इक बहुत कमाल की चीज है कि पातशाह मैनू अपना बच्चा बना लो, अपना सिख बना लो, बस सिख बना लो, इको गल हो गई, क्योंकि जे स्टूडेंट बन जाओ ना, स्टूडेंट बन जाओ फिर टीचर की केयर की गरंटी होंदी है, उन्हें टेस्ट लेने ने, उन्हें वीकली टेस्ट लेने ने, उन्हें होमवर्क देना है, उन्हें सब हल्की फुल्की चपेड़ा मार के उन्हें ठीक कर देना है, उन्हें ऐसी नौबत नहीं आन देनी कि बाहरला बंदा तुम कोई चपेड़ मारे, पर उत्थे जे असीं मंगा भी करते हैं ना एक होर उहदे च राज बड़ा है, असीं डिमांड ना करिए कि पातशाह मैनूं इह चाहिए, डिमांड की बजाय एक अक्खर चेंज कर लईए उत्थे भी डिजर्व,
गुरु जी जो मैं डिजर्व करता ना मैनू दियो जिदा मैं हकदार हाँ फिर की होएगा असी वद तो वद हकदार बनन लई उद्यम करांगे कि मैं इस तो भी वधिया होवां इस तो भी वधिया होवां क्योंकि जिन्ना वधिया होवांगा जिन्ना चंगा होवांगा उन्ना मैं गुरु की कृपा का पात्र बनांगा। पॉइंट अगर लिख रहे हो तो बहुत चंगी गल है। यह कहना बंद कर दी है भी गुरु जी मेरी यह डिमांड है असं कह लगे भी गुरु जी मैं जो डिजर्व करता ना जिदा मैं हकदार हाँ ना तो मैं बख्शो फिर अरदास भी करिए गुरु पातशाह जी सिखदार हो। सो मैं एक बार फिर गुरबाणी साढ़े को बहुत वधिया स्रोत है वो अर्थां नूं गल करके बाणी जी पढ़ते भी हाँ ना असं एकदम फ्लो में ना पढ़ जाए सानू पता तो हो मैं गुरु नूं की कह रहा आम दोस्तों में होंगे ना कई बार दो दोस्त कट्ठे हुए कहते उन्होंने भी बुला लिए कहते यार ना बुला अद्धी गल तो समझ नहीं आती जो गुरु साहब सानू कह भी तू की कह रहे मैंने तो समझ नहीं आ रही और गुरु साहब को समझ आई जानी है सानू नहीं समझ आ रही असं की बोलते पे क्योंकि वह जी फीलिंग्स वह जी इंप्रैशन वह जो भाव नहीं साढ़े बनते भी जो बेनती कर रहे हैं तो हाथ जोड़ के बोलीए ना कि गुरु पातशाह जी हमारी करो हाथ दे रक्षा जो प्रोमिस कर रहे हैं फिर प्रॉमिस वाली फीलिंग हो भी तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं फिर कहिए ना भी जोवर चाहूं सो तुम ते पाऊं ये बेनती करिए सगल द्वार को छाड़ के गयो तो हर होगा। साडे को एक बाणी बहुत वधिया स्रोत है साडा जरा लिटरेचर है वो इतना गौरवी विरसा साडा इतिहास इतिहास नूं पढ़न वेले अपने आप नूं मंथन करिए अपने आप नूं एनालाइज करिए और एक साढ़े को ना बहुत वधिया गुरु पातशाह ने चीज बख्शी है संगत एक तो फ्रेंडशिप वाली संगत है एक संगत सतसंगत सतसंगत कैसी जानी है जिथे एक को नाम बखाणी गुरु पातशाह ने बाणी विच ना दो पंक्तियां बड़िया कमाल दियां बख्शियां ने एक तुसी देखो मिल संगत गुण प्रगास तुसी रोज पढ़ते हो संगत विच बैठोगे संगत विच जाया करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਜਾਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਤ ਬਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣੇ ਆ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਸੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਬੂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਘਬਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੀਏ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਏ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ अपने आप नूं अनालाइज करिए बंदे खोज देला रोज देखिए साडा हर अगला दिन कल दे दिन तो बेहतर होवे इहदे वास्ते यतन करिए इन्ने कखर कहिंदा खेमा दयाचक खां फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी बहुत धन्नवाद जी वीर जी ब्रजिंद्रपाल सिंह जी विशेष तौर ते लखनऊ तो साडे नाल सांझ पाई है जी तां प्यारे बच्चो तुहाडे जिहड़े सवाल है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀਗੇ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ।
हाँ जी मनवीर तो अनम्यूट कर रहे हैं, तुसी हैंड रेज किया होया। हाँ जी पुत्र आए सवाल। आवाज नहीं सी। हाँ जी हरमन तो अनम्यूट कर लग गया जी। हरमन प्रीत हरमनप्रीत तुसी हैंड रेज किया जी, तुहानू अनम्यूट कर रहे हैं। अनम्यूट योर सैल्फ ते क्लिक करके ना क्वेश्चन पूछ लो जी, टाइम थोड़ा अपने कोल। वीर जी एक क्वेश्चन आया जी जिहड़ा ओह सीगा जदों आनंद साहब दे पाठ आनंद जपजी साहब दा जो आनंद जपजी साहब दा पाठ बंद बंद कटवा के चरखड़ियां चढ़ देगा विच उबल के तां नारे नाल चढ़ा के भी खत्म नहीं होया, ओह आनंद जपजी साहब दा पाठ रोजाना करके सानू क्यों नहीं आउंदा जी? बेटे जी किसी भी बाणी विच किसी भी शब्द नू जद तक तुहानू उहदे मीनिंग नहीं आंदे भी तुसी बोलदे की पए हो, गल कहंदे की पए हो, तब तक तुहानू उहदे च आनंद नहीं आएगा, मन का टिकाओ नहीं होएगा। हुण एक शब्द तुसी सारे जने बैठे हो, मैं छोटी जी गल तौर च पढ़ते हो, मैं सौखा जिहा बेनती दे शब्द की गल करन लगा। अजकल ना एक थोड़ा जिहा ट्रेंड जिहा बन गया वे कि तुसी अपने नंबर बनाने वास्ते ना साड़ियां पैणा भी साड़ियां घर दी बीबियां भी लेडीज विच ही अपने फ्रेंड सर्कल विच कहने आ भी यार जब से तुमसे मिले हैं ना अब कॉलेज में हम और किसी से बात ही नहीं करते। ये पैणा भी कहंदियां ने जब तो तू मिली है ना हुण मैं और किसी ने गल ही नहीं करती। ये मक्खन लगाने हैं नंबर बनाने हैं, ये नंबर बनाने वेले फेस बड़े इंप्रैशन बनाने हैं, क्या चेहरे दे भी उनमें किसी नाल बड़ा मूंह इंज बना के गल्लां करदे आ। तो जदों इहो जिहियां गल्लां गुरु साहब नाल करने आ उस वक्त साढ़े फेस इंप्रैशन क्यों नहीं बनते? इस करके नहीं बनते क्योंकि असी पता ही नहीं होंदा भी मैं जो अज बोलन लगा मेरे पिछे पिछे बोलना, तुसीं इमेजिन करो भी सामने गुरु ग्रंथ साहब तुहाडे खड़े ने अपने, प्लीज सारे बच्चों कह रहे हैं जिस टोन च मैं बोलांगा उस टोन च बोलना, तुसीं गुरु ग्रंथ साहब नूं देख के ना यह कहना भी गुरु ग्रंथ साहब जी जदों तक मैं तुहाडे चरणां नाल लगा ना हुण मैं कोई ऐरू गैरू चीज नूं अपनी अख थले आण नहीं दिंदा, जो मैं बोलेंगा तुसी वो रिपीट करना है भी पाए गए जब ते तुम रह तब ते को आंख तरह नहीं आने हो, राम रहीम पुराण कुरान राम रहीम कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सब है बहुपेद कहे हम एक ना जानियो। अगली गल किन्नी प्यारी है जो तुसी कदी पापा नाल जांदे हुंदे हो ना ते पापा नूं कहंदे हो पापा तुसी कह रहे हो ते मैं जा रहा वा, इहदा मतलब इह हुंदा है भी जे कुछ गलत वापरेगा ते तुसी रिस्पोंसिबल होवोगे। अगली पंक्ति कितनी प्यारी है, बाबा जी इन्नियां वड्डियां वड्डियां गल्लां मैं नहीं कह रहा तुसी मेरे कोलों कहलवा रहे हो, कदी सोचिया श्री इस्पान कृपा तुमरी मैं ना कहो तब तो ये बखाने हो सब तुसी कहलो आ रहे हो। कभी असी इस तरह पढ़िया एक बच्चे नु ना घर भी तुसी तंग कर दे हो बच्चे दी मम्मी नु ना इस तरह गले च बावा पा के आंदे हो मम्मी मेरी, बच्चा की कहंदा मेरी नहीं कहंदा वो कहंदा मेरी, अधिकार नाल कहंदा मेरी, एदां ही कहंदा ना। तुसी कभी इंज बोलिया मेरे नाल बोल के देखो ने बड़ा मजा आएगा आनंद भया मेरी माँ है सतगुरु मैं पाए। बस कमी बच्चे यही है एक सानू पता नहीं हैगा थोड़े जे अर्थ सीख लईए अरदास करके बाणी पढ़िया करिए फिर मन टिका आएगा फिर मन चढ़दी कला च आएगा फिर तुहानू सज्जे खब्बे की वापर है सानू परवाह नहीं होगी। थोड़ी जी मेहनत स्कूल दी पोएम्स दे मीनिंग नहीं आंदे सीखते हो ना कोचिंग भी जाते हो गाइड लैके आते हो मैडम नू कहंदे हो घर कहंदे हो जे गुरबाणी दे अर्थ नहीं समझ आए गुरबाणी च की पढ़ रहे हो तो फिर घर कहना पड़ेगा ना बेटा खास तौर ते आप जी का धन्नवाद करते हाँ कि लखनऊ तो अपने बिजी शेड्यूल दे विच तुसीं समा कढ के अज फिर एक बार साडे नाल अपने विचारां दी सांझ पाई। सारे बच्चों वालों समुची गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल टीम वालों मैं आप जी का तहे दिलों धन्यवाद करता हाँ।
हूँ अगे चलते हैं आप इस प्रोग्राम अगे लैके तो अज साडे विशेष तौर पर डॉक्टर अमनदीप सिंह जी हाजिर हुए हैं तो वह सानू सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर की वरतों संबंधी कुछ जानकारी की साढ़े नाल सांझ पाउणगे। मैं बेनती करूँगा वीर जी डॉक्टर अमनदीप सिंह जी वो कृपा करके अपने विषय को शुरू करन जी। डॉक्टर अमनदीप सिंह जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो अज असी एक कुरबानी की जो ऐप हैगी है उसनों चलान बारे सिखांगे। सो सब तो पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑन कर लगा जी। स्क्रीन सारियां नूं नजर आ रहा जी? हाँ जी ओके ठीक है जी। सो अज असी एक गुरबाणी दी जो ऐप है जिसका नाम है सिक्खी टू द मैक्स उहनूं करांगे। ए एप्लीकेशन एंड्रॉयड ते भी अवेलेबल है, ए एप्लीकेशन आईफोन आईओएस ते भी अवेलेबल है अते विंडोज दे विच लैपटॉप ते भी आपां चला सकते हाँ। सो हुण जिद्दां प्ले स्टोर तो जाके आपां सिक्खी टू द मैक्स जो सर्च करांगे इस तरह यह एप्लीकेशन आएगी। इस एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड का ऑप्शन आएगा मैं जिदा डाउनलोड कर चुका हाँ तो इस तरह का जो ओपन कर लवेंगे आप। सो इस एप्लीकेशन के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ने जिन्होंने आप अलग अलग फीचर्स यूज जो करना सीख सकते हैं। तो सब तो पहले जिदा सू होम स्क्रीन इस एप्लीकेशन का नज़र आएगा इधरों की सब तो उपर सज्जे कोने सू जो सैटिंग्स खुलनगियाँ जिद अलग अलग सैटिंग ने जिमें कि आप गुरबाणी के विश्राम मतलब कितने पॉज कितने रुकना है उन्हों ऑन करना है या ऑफ करना है उन्हों आप देख सकते हैं या फिर आप ट्रांसलेशन देखनी है इंग्लिश वाली पंजाबी वाली या ये स्पैनिश जी है ट्रांसलेशन वह भी ऑप्शन हैगा है। सो इस तो बाद नाल ही सैटिंग्स आ जाएं ने सैटिंग देख सकते हो कि कलर थीम चेंज करना है या बैकग्राउंड जिदा हम काले के उपर चिट्टा देख रहे हो इन्हों आप चेंज भी कर सकते हैं चिट्टे उत्ते काला टैक्स या होर भी आप जो सैटिंग चेंज कर सकते हैं। सो इस काफ़ी ऑप्शन ने जिदा जिदा तुम एक्सप्लोर करोगे ऐप्स ऐप में पता लग जाएगा। जो यदा खास फीचर अज आप सीखना है वह यह है कि कई बार की होंगे कि जिमें आप कोई गुरबाणी की पंक्ति जिदा सानू कोई दसदा है पर सानू गुरबाणी की पंक्ति भुल जाती है पर उहदे अर्थ याद रह जाते हैं जो कई बार गुरबाणी के गुरु साहब ने सानू समझाया कुछ एग्जाम्पल्स दे के कई बार कोई मुहावरा या कोई किसी खास एग्जाम्पल की वरतों की होंगी है तो उस एग्जाम्पल तो गुरबाणी की पंक्ति आप कि लभ सकते हैं। सो तुम इधर खब्बियात उपर देख सकते हो इतने मेन मेन्यू उस ऐप का खुल है जिद सर्च रिसर्च रीड आदि ऑप्शन आते हैं। सो आप सर्च के जावे सब तो पहले सो ये सू ऑप्शन दिखेगा सर्च गुरबाणी। सो आप सर्च गुरबाणी से जो गए तो इस तरीके जो स्क्रीन खुलेगा ये राइट कॉर्नर से तुम थले देखो इतने दैटिंग आ जाए कि लैंगुएज में सर्च करना चाहते हो गुरमुखी के सर्च करना चाहते हो या इंग्लिश में सर्च करना चाहते हो तो फिर उस तो बाद कि पहले अक्षर की सर्च करना चाहते हो या पूरा वर्ड लभना चाहते हो। हम जिमें वीर जी ने शुरू के अज गुरबाणी का थॉट ऑफ द डे दसिया जिन्ना दिसंदड़िया दुरमत बंझे मित्र साडड़े सही मान लो सू पंक्ति याद नहीं रही सू इना याद रह गया कि कुछ वीर जी ने कहा कि ट्रू फ्रेंड की गल की आप जिदा इंग्लिश के गए इंग्लिश सर्च की मैच ऑल वर्ड गए तो इतने उस तो बाद आप आ गया कि की ने आप हम की वर्ड भरांगे ये जिमें ट्रू फ्रेंड्स ठीक है नाल उन्होंने गल की कि दुरमत की ईविल माइंडेडनैस की भी भैड़ी मत है जिदा तो आप नाल वर्ड ईविल माइंडेडनैस या कला ईविल वर्ड पा दें दुरमत के लिए। सो हम आप जो इन आप सर्च करा एक मिनट जी मिनट एक ऑप्शन ये ऐप थोड़ी प्रॉब्लम आ गई मैं दोबारा एक मिनट दिखाना जी। जो आप जो एडवांस सर्च के चले जाइए उत्थे ऑप्शन बैटर चल जाते हैं जिदा आप एडवांस सर्च के जाके इंग्लिश के जाके इतने आप दिता जी ट्रू फ्रेंड्स। सो हम ट्रू फ्रेंड जो आप सर्च किया
ऐप हैंग हो रही है जी, एक मिनट। एक मिनट जी, माफी जी, ऐप हैंग हो गई, एक मिनट जी। शेयर स्क्रीन द्वारा कर लो नहीं तो। हाँ जी भैया, एक मिनट जी, शेयर स्क्रीन चला गया जी? नहीं चलता पे, ओके है, कई बार इधर ना स्लो हो जाता है जी। ठीक है जी, एक मिनट जी। चल नहीं पा रहा वीर जी, एक ट्राई कर लो, नहीं फिर कल वीडियो शेयर कर देंगे। ठीक है वीर जी, जल्दी जल्दी। वीर जी मेरे ख्याल से इतने ऐप चोरे प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन शेयर से, आप वीडियो शेयर कर देंगे कल। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं जी। गुरचरण सिंह जी कंटिन्यू कर लो जी। हाँ जी वीर जी, बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर अमरजीत सिंह का, इन्होंने साढ़े नाल एक नवी ऐप की सांझ पाई है, सिक्की टू द मैक्स। इस ऐप की वरतों के नाल असी गुरबाणी शब्दों तो, गुरबाणी शब्द अर्थों तो, गुरबाणी के जिहड़े शब्द असी आम रूटीन में सुनते हैं उन्होंने भी सर्च करके उन्होंने जाणू हो सकते हैं। तो वीर जी इसकी वीडियो अपन अपने नाल शेयर करेंगे कल, फिर आप वीडियो की सांझ पावांगे जी। तो आओ आप अज के इस कैंप न अगे लैके चलते हैं जी। तो अब साढ़े शब्दों की लड़ी लैके शामिल होए ने वीर रमिंदर सिंह जी गुरुसर तो। मैं बेनती करूँगा वीर जी कि वह अपने पंजाबी मात भाषा के शब्दों के नाल सारे कैंपस में जाणू कराउणगे जी। वीर रमिंदर सिंह जी गुरुसर, हां जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज आपां गल करांगे कि साढ़े जिहड़े पुरखे है उन्हां दे गंगेरे जीवन अनुभव दे विचों जिहड़े सच निकले है, सच कथन बन गए, सचाईयां बन गए, ते उही कहावतां अखवाए, अखाण अखवाए, ते उन्हां ने साडी जिहड़ी हैगी है जीवन दा मार्गदर्शन दा आधार बने। पर कुछ मुहावरे कुछ अखौतां दे विच समें दे नाल नाल जिहड़ा हैगा उह विगाड़ आउंदा गया, ते समां बहुत घट है, मैं एक दो मिंट दे विच ही अपनी गल खत्म करांगा। असीं कुछ मुहावरे लैंदे हां जिहड़े सानूं लगदा वी उह ऐं आ पर उह इउं है नहीं। इट कुत्ते दा वैर, देखो इट दा कुत्ते नाल कोई वैर नहीं हैगा, इट आपदे थां पई है, कुत्ता किते फिरदा है, ते इट नूं की लोड़ पई है कि कुत्ते दे वज्जूगी, इट कुत्ते दा सीधा आपस च कोई वैर नहीं बनता। गल इह आ कि पुराने समयां दे विच हड्डा रूड़ियां हुंदियां सी, और हड्डा रूड़ियां दे विच जदों पशु मरे हुए पशु सिट्टे जांदे सी तां उत्थे कुत्ते जिहड़े उह उहनां दा मास खांदे सी, ते जिहड़ियां इल्लां हुंदियां सीगियां उह वी मास खांदियां सी, ते इक दूजे तों वध मास खाण दे विच इक दूजे नूं कुत्ता जिहड़ा सी उह इल नूं हटाउंदा सी, और इल सी जिहड़ी उह कुत्ते दे मगर पैंदी सी। तां सही गल सी कि इल इल कुत्ते दा वैर सी, ते इह मुहावरा हौली 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 जिहड़ा विगड़ के इट कुत्ते दा वैर है उह बन गया। इक मुहावरा सी वरतदे आ इक अनार सौ बीमार, जन इह मुहावरा सी उदों वरतदे आ वी जदों कोई वस्तु घट मात्रा च होवे पर उहनूं वरतण वाले ज्यादा होण। पर असल कारण इह हैगा कि जिहड़ा अनार हैगा इह सौ बीमारियां दा इलाज करदा है, पता नहीं इहनूं इस प्रसंग दे विच किवें वरत लिया गया। ते इक मुहावरा होर हैगा कि मुड़ मुड़ खोती बोड़ थले, इह असीं अखाण उदों वरतदे हां जदों कोई भी आदत है जिहड़ी उह वार वार दोहराई जांदी है, वार वार रिपीट कीती जांदी है। पर जदों असीं इस मुहावरे दे प्रसंग च देखिए तां जिहड़ी खोती हुंदी है उहदों लगभग भार ढोण दा जिहड़ा उह कम्म लिया जांदा है, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁੜ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇਊਗਾ।
सही जरा मुहावरा पहला सीगा के मुड़ मुड़ खोती बोझ थले हौली हौली ए बिगड़ के ये बिगाड़ आ गया। तो इस तरह होर बड़े जड़े है मुहावरे है जिन्हों बिगाड़ आ गया। तुम भी ये बारे जो पढ़ते है ना तुम देखो भी कहे होर मुहावरे है जेड़े इसे रूप में है जो कुछ बिगाड़ आए। मैं भी जो अगली बार टाइम मिले कुछ होर मुहावरे कुछ होर रखौता लैके थोड़े न गलबात करा। वाहेगुरु जी की फतेह जी। बहुत धन्यवाद वीर जी, बड़ी ही रोचक जानकारी दी तुसीं सांझ पाई। वाकई पहला इस तरह कदे नहीं सोचा होना भी एदा भी मुहावरे बिगाड़ आया। धन्यवाद जी रविंद्रपाल सिंह वीर जी का। आओ जी अगे चलते हैं आप समय लिए आप एक साडा महत्वपूर्ण विषय जिस दी आप हर रोज सांझ पाउंदे आ करियर टाक। करियर टाक तू आप अपने सेध लईए जी अपने नवी स्ट्रीम बारे जानकारी लैके अगे सीखिए जी। Hello everyone, I'm again here with my new video and I'm Gurmeet, your career guider and I welcome to my channel Mami Papa Ki Paathshala. आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सारे वीडियोस जो मैं आपको दे रही हूँ ये आपके करियर से जो आपका डिसीजन है रिलेटेड टू योर करियर उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जो मेरा वीडियो है आज का दैट इज़ रिलेटेड टू करियर्स इन नॉन मेडिकल। तो बेटा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इसमें एस्पायरेंट्स रहते हैं कि हमें जो जो प्लस टू के साथ वो नॉन मेडिकल में एंटर करते हैं दे आर बिकॉज दे वांट टू बिकम एन इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत ब्लेस्ड ब्रांच है जिससे हमें क्रिएटिविटी एनालिटिकल न्यूमेरिकल मैकेनिकल बहुत सारी स्किल्स का एक कॉम्बिनेशन है इंजीनियरिंग। रादर मैं कहूँगी कि जो कुछ भी आपके आसपास है जो आप यूज़ कर रहे हैं ये सब कुछ एक इंजीनियर्स की देन है जो आज हम इस ब्लेसिंग्स के साथ जी रहे हैं। यानी इतना ब्लेस्ड फील्ड है इसी करके शायद इंडिया में अगर मैं बात करूं हर साल जो है तकरीबन 11-12 लाख एस्पायरेंट्स होते हैं जो कि IIT JEE का एग्ज़ाम जो है जो देना चाहते हैं दोज हु वांट टू बिकम द इंजीनियर्स। बट व्हाट हैपेंस इज लाइक क्योंकि दिस इज़ द रेस ऑफ द फिटेस्ट कि जो ज़्यादा फिट है वही इस पर क्लियर कर पाता है। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें एक रियलिस्टिक पिक्चर जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर हम टायर ए कॉलेजेस सारे के सारे जो इंडिया में हैं चाहे हम IITs की बात कर रहे हैं चाहे हम NITs की बात कर रहे हैं चाहे हम बिट्स की बात कर रहे हैं चाहे हम ESERS की बात कर रहे हैं चाहे हम ISSC की जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं अगर हम इनकी टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स का एक टोटल करें तो दीज आर लाइक अकॉर्डिंग दीज आर 47,419 सीट्स दैट आर अवेलेबल इन टायर ए कॉलेजेस। मतलब कि जो आपको रिप्यूटेड कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाँ आपने एक एस्टैब्लिश्ड करियर की तरफ अपना पहला कदम जो है वो अच्छे से रख लिया। बट अगर हम इसी में बात करें तो इसमें जो बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाते जैसे 12 लाख एस्पायरेंट्स हैं तो अगर हम एक राउंड फिगर में लेते हैं तो तकरीबन 50,000 कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है इन कॉलेजेस में जो है वो कंज्यूम हो गए। और बाकी के जो एस्पायरेंट्स हैं वो क्या करते हैं यूजली कि दे वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर उनका सपना होता है तो दे के टेक एडमिशन इन अदर कॉलेजेस दैट आर प्राइवेट इंस्टीट्यूट दैट आर ऑफरिंग इंजीनियरिंग। बट माई डियर फ्रेंड्स इसकी हालत इतनी ज़्यादा पथेटिक है अगर मैं बात करूँ कि जो रिसेंट सर्वेज हुए हैं उसके हिसाब से 97% ऑफ द इंजीनियर्स दोज हु आर कमिंग आउट ऑफ द कॉलेजेस दे आर नॉट फिट फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। मतलब ऐसे जो इंजीनियर्स बन के आ रहे हैं वो इतने उनमें स्किल्स ही नहीं है कि दे आर एम्प्लॉयबल दे कुड बी एम्प्लॉयबल तो यानी कि दे आर नॉट फिट दे आर डूइंग सम अदर टीडियस जॉब कोई PN की जॉब के लिए अपने आप को अप्लाई कर रहा है कोई बहुत मीनियल जॉब्स के लिए अपने आप को सेटल कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव द क्वालिटी। तो आप अगर इस रेस में शामिल होना जा रहे हैं तो प्लीज़ रुकिए और एक बार सोचिए कि जो बहुत सारी अलग से ऑप्शंस हैं इंजीनियरिंग में दे आर ऑल्सो देयर फॉर यू। अभी मैं कुछ आपके करियर्स के बारे में बात करने जा रही हूँ जिनका प्री रिक्विजिट जिनका लाइक जिनके जिनमें मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मस्ट है या किसी जो करियर कोई करियर्स ऐसे हैं जिसमें फिजिक्स और मैथ्स ज़रूरी है। इसके अलावा जो मैं अभी ऑप्शंस बताने जा रहा हूँ इसके अलावा जितनी भी ऑप्शंस और अवेलेबल है आप किसी के लिए भी फिजिक्स या मैथ्स जो है वो ज़रूरी नहीं है।
तो आपको क्या करना है कि सिर्फ आप जोन से भी आप में एप्टीट्यूड है, जैसा भी नैक है, आप वैसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली फिजिक्स और मैथ्स केमिस्ट्री के लिए ऑप्शंस खुलते हैं, जैसे कि बी आर्क आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में बेसिकली यू रिक्वायर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और इसके अलावा आपको अगर NDA के कैरियर्स में बेसिकली अगर आपको नेवी में या एयरफोर्स में जाना है, सो दैट इज़ अ प्री रिक्विजिट दैट यू शुड हैव स्टडीड फिजिक्स एंड मैथ्स इन योर प्लस टू। इसके अलावा जैसे आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, या आप बायोटेक्नोलॉजी BTech करना चाहते हैं, या फिर आप सिविल एविएशन में जाना चाहते हैं, या फिर आप IT की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनका एक प्री रिक्विजिट स्टैंडर्ड्स है कि यू शुड हैव स्टडीड फिजिक्स मैथ्स इन योर प्लस टू। बट अगर मैं इसके अलावा करियर्स की बात करूं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की ही बात करूं, तो इसमें ही अपने आप में इतने वर्सेटाइल करियर्स हैं। जैसे फिजिक्स में आप चूज कर सकते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिक्स में आप चूज कर सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑप्टिक फिजिक्स, मॉलिकुलर फिजिक्स, जियो फिजिक्स, ये सारे। अगर इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनती है कि हम लोग फिजिक्स के करियर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं कि इसमें से इतने वर्सेटाइल करियर्स जो है वो निकल के आ रहे हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अपने आप में न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, दैट ऑल्सो कैरीज अ लॉट ऑफ स्कोप्स विद देम। अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, ज्योमेट्रिक एनालिसिस है, कॉम्पिटिशनल मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स भी अपने आप में बहुत डाइवर्सिफाइड है एंड दैट लीड्स टू नंबर ऑफ करियर्स। मीन्स अगर सिर्फ आप इंजीनियरिंग को टारगेट कर रहे हैं और सपोज आप उस रेस में आगे नहीं पहुंच पाए, तो दीज आर द ऑल्सो करियर्स दैट यू शुड लुक अपॉन। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो है ही है, और कुछ मैंने आपको ऑप्शन बताई हैं जैसे मर्चेंट नेवी हो गया, आपका डिफेंस सर्विसेज हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, या IT की फील्ड है, या सिविल एविएशन है, दैट रिक्वायर्स बेसिक कि आपको बेसिक जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बना हुआ है। बट इसके अलावा अगर आप कुछ भी परस्यू करना चाहते हैं, जैसे लीगल स्टडीज है, यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ अ डिजाइनिंग, यू वॉन्ट टू पार्ट ऑफ होटल मैनेजमेंट, यू वॉन्ट टू पार्ट ऑफ लाइक बिजनेस मैनेजमेंट, तो ये सब चीज़ें आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से जाके यू कैन टेक एडमिशन। इवन की लिबरल आर्ट्स इज देयर फॉर यू, दैट itself is a very unique career, और मैं एक अपनी वीडियो जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी, दैट इज ओनली ऑन द लिबरल आर्ट्स। तो ये जो चीजें हैं, अगर आप आपको एक डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस में देखें, तो दिस वुड लीड कि हाँ कि सिर्फ एक इंजीनियरिंग ही नहीं है, दैट वुड लीड टू द सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट दैट आई वॉन्ट टू हैव इन माई लाइफ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਅਰ ਟਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਰੋਹਿਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਈਜ਼ਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੰਢਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਟਾਈ ਦੀ ਗੰਢ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਵੀਰ ਬਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਥੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਰਸ ਫਰੋਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪ ਫਿਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।